दोस्तों, ऑप्शंस को ट्रेड कर करके हम लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया है। अब और नुकसान आपका नहीं होने दूंगा। आपके लिए जो मेरा टूल है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, उसके थ्रू आप ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कितना ब्रिलियंटली आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आपको ऑप्शन ग्रीक्स आते हो या ना हो। ट्रॉलर्स के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, बट जो लोग सीरियसली ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हैं एक छोटी से स्टॉप लॉस के साथ में, एक अच्छी कन्विक्शन के साथ में, उस अगर आपको एनालिसिस नहीं आती तो एनालिसिस सीख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद अगर इस टूल को यूज करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो 80-90% भी हो सकती है। आपके मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे और जो लॉसेज आप बुक करेंगे वो आपको मालूम हुआ कि आपने लॉस क्यों बुक किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि निकलना कहाँ है। घुस तो कोई भी जाता है, किसी भी ट्रेड पे आप एंटर कर लो, किसी भी प्राइस पे एंटर कर लो, बट निकलना कहाँ है ये पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आज 1 अप्रैल है और देखते हैं कि आज अगर हमने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को ऑप्शंस को यूज करने के लिए यूज किया होता तो कैसे पैसा बनता। देखिए, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कैसे इसको यूज कर पाते, कौन से लेवल एनालिसिस थे, कहाँ पे हमने इसको अच्छे से स्टडी किया होता और हमें कितना पैसा बना होता। दोस्तों, मैंने आपके सामने 17,500 की कॉल का चार्ट लगाया है और देखेंगे 17,500 की कॉल को आपने ट्रेड किया होता, पहले तो चूज करते हैं 17,500 की कॉल पे ही क्यों ट्रेड किया। चलिए इसके लिए निफ्टी को देखते हैं। कल की निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 17,544 और मेरा जो कैलकुलेटर है वो बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा था कि 17,556 के ऊपर में एक नया ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी 17,424 के ऊपर निकल चुकी है और 17,556 के आसपास में बंद हुई है। और ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर आता है, मैंने पूरी एनालिसिस थी, मुझे मालूम था इसके ऊपर ब्रेकआउट आना ही आना है, बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ये मैजिकल लेवल्स है मेरे। 17,556 के आसपास में जो कॉल है 17,500 की, वो इन द मनी कॉल हो जाती है, मोटा मोटा एट द मनी भी आप इसको कह सकते हैं। तो भाव के आसपास ही कॉल में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा स्पार्क होता है। महंगी होती है पर सबसे ज़्यादा स्पार्क वहाँ पे होता है, क्योंकि भाव के सबसे ज़्यादा नज़दीक एट द मनी और इन द मनी ही होती है। तो यहाँ पे 17,500 की कॉल का चार्ट मैंने लगा लिया। तो दिन की पहली कैंडल जो बनी, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ गाइस, निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में लोग बर्बाद हो चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं गलत ट्रेड कर करके। और अब ये टूल आपको बताएगा कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना है। यहाँ की अगर क्लोजिंग की बात की है तो ये ऑप्शन क्लोज हुई 384 के आसपास में, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 384 पे क्लोजिंग हुई है, 362 का लो बना है। पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, रैंडम फिगर पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 394 का इसने हाई लगाया, तो 394 का हाई लगाया है, क्लोजिंग 384 के ही, लो बनाया 362 का। अब यहाँ पे जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी 394 की हुई थी, हाई भी वहीं था, तो मतलब वहीं से लगती है कैंडल बता रही, वहीं से स्टॉक नीचे आ गया था, क्लोजिंग 362 की हुई। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 362 का मेरी ऑप्शंस का प्राइस डालता हूँ, आपको क्या करना है, प्राइस डालना है, देखना है 362 का प्राइस मैंने डालता, मतलब 361 के ऊपर तो इसका ब्रेकआउट था, लो इसके नीचे में सपोर्ट था 342 का, तो 361 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग 361 के ही। तो मेरे टारगेट्स क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ आपको दो टारगेट्स के लिए इसको प्ले करना ही करना है। अब यहाँ पे दो टारगेट्स आते हैं 400 तक के, मतलब पहला टारगेट 380 का, दूसरा टारगेट 400 का। 400 पे आके आपको रुकना है। 400 का प्राइस कौन सा है गाइज, ये 400 का प्राइस है। तो दो टारगेट मुझे मिले 360 से, अगर हमने परचेज किया भी होता तो 400 के लिए 40 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 10% से ज़्यादा की रिटर्न आपको मिल चुकी है। 400 के आसपास में आके अगर आप देखेंगे तो इस कॉल ने परेशान करना स्टार्ट किया और यहीं पे इसने हॉल्ट बनाया है। देखिए, इसके बाद इसने यहीं पे हॉल्ट बनाया है, जबकि उसके ऊपर में 420 तक जाके आया है। 420 का भी लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये परचेज करने के बाद 420 का इसने मार्क किया है और 420 का ऊपर का टारगेट अचीव हुआ है। 420 अचीव करने के बाद में ये वापस गिरा है और 400 का सपोर्ट इसने लिया है। इसको ट्रेड करना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए। 420 का फिर बेस बन जाता है, देखिए 420 का बेस बन जाता है, 440 के आसपास का ही लगाया। जब 420 का इसमें प्राइस बन गया था तो फिर मेरे हिसाब से बाजार कैसा चलना था देख लेते हैं। 420 का जब प्राइस बना था, 400 मेरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल का मतलब है वो एक मदर ऑफ ऑल सपोर्ट है आज के लिए, उस स्विंग के लिए। मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी चिंदी चोरी की हम बात नहीं कर रहे हैं। 400 का मेजर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रहेगा, इसके नीचे घुसेगा बाजार तो ही मैं सेल करने वाला। तो क्या आप 361 पे ली हुई ऑप्शंस के स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते 400 तक? 420 देख लिया, 441 देख लिया, 441 देख लिया, 420 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे 420 के आसपास में फिर बेस बनने की तैयारी होती है और 420 के बाद में जब 440 को निकलता है,
तो 441 के निकलने के बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारा 462 होना चाहिए एज पर दी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। गाइस यू विल बी सरप्राइज कि बाजार 471 का हाई लगाता है और 471 का हाई लगाने के बाद में आज की क्लोजिंग मोटा मोटा 467 के आसपास में है। 360 से 400 पॉइंट्स इन वन लॉट ऑफ निफ्टी इन ऑप्शंस, कोई एनालिसिस नहीं, कोई ऑप्शन रिक्स नहीं, कोई बीटा नहीं, कोई थीटा नहीं, कोई अल्फा नहीं, कोई गामा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन रिक्स अगर आपको नहीं भी आते जब भी इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं 400 रुपए के लेवल को बाजार ने किस तरह मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 400 के लेवल को बाजार किस तरह मेंटेन कर रहा है। तो 400 का जो प्राइस है दैट इज द मदर ऑफ ऑल, मतलब यहां से जब 400 के ऊपर निकलेगा डिसाइसिव बाइंग आएगी आपको, कम से कम 441 462 के प्राइसेस मिलने ही थे, इसके लिए मैं पूरा तैयार था। तो गाइस अगर आपको भी ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर चाहिए तो आपको हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना होगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री भी ले सकते हैं, क्या कंडीशन है पूरी टीम आपको बता देगी। अगर आपको पेड लेना है तो इसकी एक साल की फीस 17,700 रुपये है, और अगर आप बिल्कुल फ्री चाहते हैं तो या तो क्लासेस ज्वाइन करनी होगी जिसकी फीस भी 17,700 रुपये है, दिल्ली की क्लास 24 अप्रैल को है, पूरा एनालिसिस सीखिए, साथ में कैलकुलेटर को कैसे यूज करना वैसे भी सीखिए, और अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर ही यूज करना चाहते हैं, एनालिसिस नहीं सीखना चाहते, आप अपनी स्टडी के साथ इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर फ्री भी ले सकते हैं। उसकी कंडीशन के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा अपना नाम अपनी सिटी, और आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑप्शन ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग टूल्स और स्टडीज आपके लिए हमेशा से लेके आया हूं, ऐसे ही लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपने एक दोस्त का भी ऑप्शन में लॉस होने से बचा लिया तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।